इस प्लांट पे हमने काम किया था दोस्तों गुजरते मानसून में। इतनी ज़्यादा अच्छी ब्रांचिंग नहीं हुई थी, रिपोर्टिंग में नहीं किया और थोड़ा अनबैलेंस था, इसलिए अब उसके बाद कुछ नया ग्रोथ आ चुका है दोस्तों। वैसे अभी इतनी अच्छी हालत में प्लांट नहीं रहते, बट कुछ प्लांट अच्छे रहते हैं, कुछ पीले पत्ते होके गिर जाएंगे कुछ प्लांट के। बट इस प्लांट में थोड़ी अलग बात है, ये भले एम्प्लीसीमा है पर उसका लीफ के जो शेप है थोड़े अलग है दोस्तों। देखिए ये ऐसे तो नहीं रहते, थोड़े अलग है, थोड़े गोल से, इतने लंबे भी नहीं हैं, कुछ के लंबे होते हैं जिस तरह बेर होते हैं दोस्तों। जितने पेड़ उतने पत्ते या फ्रूट का स्वाद भी अलग रहता है मेरे ख्याल से। इस तरह के इसमें भी होता है, उसमें रेडनेस वाले पत्ते होते हैं, थोड़ा बहुत रेडनेस भी रहता है, तो अलग अलग रह सकते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे आज, तो उस वक्त जो हमने इसमें जो ग्रोथ रिमूव किया था, यानी ग्रोथ तो नहीं कह सकते, जो ग्रोथ हाँ एक्स्ट्रा ग्रोथ हुआ था उसको हमने हटा के छोटा कर दिया था। तो अब हम कर सकते हैं इस तरह का वर्क, ये बाकी बचा हुआ था उसको इस तरह से आप कर सकते हैं, ट्रिमिंग वगैरह मत कीजिए चलेगा। तो अब ये हीलिंग होता रहेगा और एक मैच्योर लुक आएगा धीरे धीरे, इसमें स्क्वायर धीरे धीरे हीलिंग होता रहेगा। और क्या करना है, जहाँ जहाँ भी दिखे अनवांटेड चीज़ इस तरह की उसको रिमूव करते जाइए। और ऐसी चीज़ें को ढूंढ के निकालना है, ये एक ही जगह से कई सारी ब्रांचें निकल आती है दोस्तों, उसमें एक ही रहने देनी है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और जब इस तरह से ट्रिमिंग करते हैं या इस तरह रिमूव करते हैं ग्रोथ, तब होता क्या है, कहीं से भी ब्रांच निकल के आ जाती है। ऐसा करते वक्त भी ध्यान रखना है, ये ज़्यादा कट गया मुझसे तो इतना ज़्यादा भी नहीं कट होना चाहिए। और ये कर्व के अंदर से एक ब्रांच निकल रही है जो हमें नहीं चाहिए, तो ये सब बातें ध्यान में रखनी है और अनवांटेड चीज़ें हटाते रहना है। और यहाँ हम लगा देंगे बाद में फंगीसाइड, जहाँ से फंगीसाइड लगाया था वहाँ से स्टॉप हो जाता है, ये डाईबैक होना। देखिए यहाँ फंगीसाइड लगा है तो वहाँ से कुछ नहीं हुआ, बट ये जो बिना इंटरनोट के ही ब्रांच से आ गई है तो कहीं भी आ जाती है, ये भी नहीं चाहिए हमें, तो वो सब हमें देखना होगा। और इस सीजन में हमारे पास ज़्यादा वर्क नहीं भी रहता तो इस तरह का वर्क हम कर सकते हैं, जहाँ जहाँ ऐसा कुछ चीज़ें है वो सब हटा सकते हैं। फिर इसमें तो सोइल मैंने एक बार डाली हुई है टॉप सोइल, तो दूसरी सोइल की ज़रूरत नहीं है। फर्टिलाइज़र भी मेरे ख्याल से मत कीजिएगा, हाँ काउडोग मैन्योर का लंप वगैरह आप दबा सकते हैं, जैसे पुराने वीडियो में आप लोगों ने देखा ही होगा। अब यहाँ देखिए त्रिशूल बना है, तो ये त्रिशूल निकाल के हमें दोशूल कर देना है इस तरीके से। तो एक्स्ट्रा चीज़ें पनपने ही नहीं देनी है, तो हमारा प्लांट का जो शेप है वो बना रहेगा। और कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने आप शेप लेते रहेगा दोस्तों। तो चलिए फंगीसाइड के लिए ही बीज जुगाड़ तो हमारा है ही बना हुआ इस तरह का, तो जहाँ जहाँ कट किया है वहाँ मैं फंगीसाइड लगा ही देता हूँ। बोन टाइट का जो था बोतल उसमें मैंने भर लिया है पानी और पाउडर का, आप भी ऐसा किसी भी चीज़ में भर के कर सकते हैं, जिससे बार बार आपको मिक्स नहीं करना पड़ेगा और लगाना भी अच्छा रहता है। तो चलिए दोस्तों ऐसे ही बने रहिएगा अगर सीखना है तो, नहीं तो आजकल लोग बहुत कम जुड़ रहे हैं मेरे ख्याल से, कुछ ही लोग हैं जो रेगुलर जुड़े हुए, कुछ नए आते हैं, कुछ इसे घूमने के लिए भी आ जाते हैं,
जो भी हो जिसको सीखना है वो तो सीखेगा ही। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।